नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम जनसंसद में। मैं हूं कवीन सचान और आज हम बात करेंगे गांधी जी के बताए रास्तों की और आज के दौर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्या उस रास्ते पर हम आगे बढ़े हैं या फिर हमने उस रास्ते में कुछ बदलाव देखे हैं। और इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ कुछ खास मेहमान, मेरे दाहिनी ओर मौजूद हैं, खास मैं उनका परिचय करा दूं। मुनीश कुमार जी हमारे साथ हैं जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज DU से। मुनीश जी स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र कुमार जी जो कि सेक्रेटरी हैं गांधी पीस फाउंडेशन से। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं प्रोफेसर CP बामरी साहब जो कि हिस्टोरियन हैं। बामरी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मेरे बाई ओर जो मौजूद हैं तारा गांधी भट्टाचार्य जो कि पोती हैं गांधी जी की और वाइस चेयरमैन हैं गांधी स्मृति फाउंडेशन से, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ मौजूद हैं रामचंद्र राही साहब जो कि स्टूडियन गांधीयन हैं और जो बताएंगे कि किस तरीके से जो रास्ता बताया गया था क्या उससे हम अलग हुए हैं या उसी रास्ते पर हम आगे बढ़े हैं, वक्त के साथ क्या इसमें बदलाव होना चाहिए था। इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। देश दुनिया में बदलाव लाने वाले जो महापुरुष अलग अलग काल में पैदा हुए उस वेरिस्त में महात्मा गांधी का भी नाम है। वो 20वीं सदी के महानायक बनकर उभरे, उन्होंने समाज को जीने की नई दिशा दी। राजनीति के अलावा उन्होंने नैतिकता और ईमानदारी जैसे मूल्यों को भी तवज्जो दी। और आज जब आधुनिकता का आडंबर राष्ट्र के चिंतन और सेहत पर हावी हो रहा है तो महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। एक नागरिक कैसे अपने देश के समग्र विकास में योगदान दे सकता है, इसकी नजीर गांधी ने पेश की। सदियों की गुलामी और शोषण का दंश झेलते आए भारत को एक नए मेयार में कैसे ढाला जाए, उसका रास्ता उनके मुताबिक राम राज्य के आदर्शों से होकर गुजरता है। उनके मुताबिक नैतिक और सामाजिक उत्थान ही अहिंसा का दूसरा नाम है। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की पुरजोर वकालत की थी। राजनीतिक स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा था कि ये देश की शासन प्रणाली की नकल नहीं है। मूल रूप से गांधी जी की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था करुणा, प्रेम, नैतिकता, धार्मिकता और ईश्वरीय भावना पर आधारित है। उनका मानना था कि राज और अर्थसत्ता आम आदमी के बिना फलीभूत नहीं हो सकती। और आज मौजूदा दौर को देखते हुए लगता है कि वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है। हमारे समाज पर जल्दबाजी हावी हो गई है। इस आतुरता की जिद में सारे नियम कायदे और कानून को दरकिनार कर दिया गया है। आधुनिक भारत बनाने की योजना में गांधी के विचार कहीं धुंध में खोसे गए हैं। मजे की बात यह है कि हर 2 अक्टूबर को उनके जन्मदिन पर उनके विचारों की प्रासंगिकता पर तमाम बहसें छिड़ती हैं और शाम होते होते उनकी तासीर उतर जाती है। क्या ये सच नहीं है कि चकाचौंध और भागम भाग वाले दौर में गांधी पीछे, कहीं बहुत पीछे छूट गए लगते हैं, किसी पुरानी किताब के पीले पड़ गए पन्ने की तरह। तो आपने देखी है खास रिपोर्ट और अब इसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी चर्चा और शुरुआत करेंगे सबसे पहले मुनीश जी आपसे, क्योंकि कहा यह जाता है कि आज के दौर में जो पैसा है, जो आर्थिक शक्ति है, अगर वो कहा जाए तो सभी पर उसकी छाया ज़्यादा मजबूत होती दिखी है। अगर गांधी जी के हम उनके विचारों को देखें और आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने जो कहा था कि किस तरीके से हम आगे बढ़ना चाहिए, आखिरी जो शख्स है देश का उसके लिए क्या करें, किस तरह की नीतियाँ हों, क्या कुछ वही को है या फिर कहीं कुछ बदलाव आपको दिखता है आज के दौर में? देखिए, गांधी जी के जो विचारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आर्थिक मुद्दों पर है। हालांकि गांधी जी के विचार ज़्यादा सामाजिक मुद्दों को लेकर और स्वाधीनता संग्राम के साथ जुड़े हुए बातों से जाने जाते हैं गांधी जी, पर अगर आप उनके लेख देखें तो मुझे लगता है कि गांधी जी ने पहले महसूस कर लिया था कि इस समाज को जो कि धर्म और जाति के आधार पर बटा है उसको अगर जोड़ना है तो अर्थव्यवस्था एक कॉमन फैब्रिक हो सकती है। और उन्हें 4 बड़े स्तंभ हैं उनके विचार के, जिसे गांधी जी के विचारों के, जो आर्थिक विषय पर बड़े स्पष्ट हैं। 4 अलग अलग इतने महत्वपूर्ण नहीं है, पर उन 4 को अगर आप जोड़ दें तो उसकी वैल्यू शायद अलग अलग के जोड़ से ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही उस समय वो थी स्वावलंबी होना और स्वदेशी की बात, फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण की बात उन्होंने कही,
फिर उन्होंने छोटे और मंझले जो व्यापार हैं और छोटे और मंझले जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके प्रमोशन की बात कही और मशीन की दासता से हट के मशीन को अपना दास बनाने की बात कही। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने आर्थिक दृष्टि से उन्होंने कही, जो आज भी वेस्ट में बहुत चर्चा होती है, इकोनॉमिस्ट जिक्र करते हैं उसका, वो एक ट्रस्टीशिप की बात की जिसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जिसके पास अधिक धन है, अधिक आय है, वो जितना अधिक है उसका वो एक ट्रस्टी है, एक उसके पास समाज की वो धरोहर है, बजाय इसके कि शेयर कैसे होगा, इस बात का झगड़ा कहीं भी नहीं गांधी जी के विचारों में था। ये चार मुद्दों पर बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी विचारों को रखा और उनके विचार ऐसा कोई फिलोसफिकल नहीं थे, क्योंकि गांधी जी बड़े सरल व्यक्ति थे, तो उनके विचार बड़े सरल, हर व्यक्ति को समझ आने वाले, पर काफ़ी गहरे और काफ़ी लंबी इम्प्लीकेशन देने वाले। क्योंकि व्यवहारिक तौर पर जो बातें थी उनकी वो ऐसी थी जो अमल में लाई जा सकती है और आसानी से समझी जा सकती हैं। रामचंद्र राही जी, अब सवाल यह है कि अगर तीनों ही क्षेत्रों की मैं बात करूँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लिहाज से, तो आज का जो परिवेश है, जो आज का माहौल है, क्या उसमें दिखता है कि इन तीनों ही विधाओं में हम उसी रास्ते के इर्द गिर्द कहीं आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, या फिर कहीं हमारा रास्ता वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा अलग है, जुदा है, भटकाव है? ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वराज्य हासिल करने तक गांधी का नेतृत्व मान्य था इस देश को। स्वराज्य के बाद देश के नवनिर्माण में गांधी का जो दर्शन था, उनका जो मार्गदर्शन था, उनके दिए हुए जो सुझाव थे, उसको लगभग अमान्य कर लिया गया। और आज देश गांधी के उस स्वावलंबन, जिसका आपने, प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया, स्वावलंबन, नीचे के तबके का औद्योगिक लघु उद्योगों के द्वारा विकास आदि जो उन्होंने किया था, उससे बहुत दूर जा चुके हैं। इस समय जिसे हम आधुनिक विकास कर रहे हैं, वह कुछ प्रतिशत लोगों का विकास है, पूंजी की शक्तियों का विकास है, जिसमें गांधी ने कहा था कि हमारे विकास की कसौटी अंतिम व्यक्ति होगा, उस अंतिम आदमी की कोई जगह नहीं है। राजनीति को उन्होंने कहा था कि नीति पर आधारित होनी चाहिए, वैल्यूज बेस्ड पॉलिसी, पॉलिटिक्स होनी चाहिए जी। लेकिन आज तो हम ये मान के चल रहे हैं कि राजनीति में सब कुछ चलता है, तो राजनीति को अगर उन्होंने वैल्यू से मुक्त कर दिया राजनीतिज्ञों ने, तो वो गांधी के हिसाब से वो एक पातक, वो एक सिन के रूप कैटेगरी में आ गया है जी। उसी तरह से सामाजिक रिश्ते, गांधी का तो बलिदान ही हुआ, ये जहाँ हम चर्चा कर रहे हैं वो धरती गांधी के बलिदान की है। बिल्कुल, उनका बलिदान ही इस बात के लिए हुआ कि इस देश में समरसता किस तरह से पैदा हो, धर्मों का, जातियों का जो द्वंद्व है वो किस तरह से ख़त्म किया जाए, इसके लिए जीवन भर उन्होंने प्रयास किए। ये दोनों फैक्टर बहुत अहम थे। और तारागढ़ जी, मैं आप समझना चाहूँगा कि सामाजिक, अगर हम परिवेश को देखें आज के दौर में, और जिस सामाजिक समरसता की बात, या फिर जो एक भाईचारे की बात या सामाजिक सहिष्णुता की बात गांधी जी ने दिखाई थी, जो रास्ता दिखाया था, आज के दौर में कितना धुंधला नज़र आता है आपको वो, या फिर कितना उजला नज़र आता है? अभी हमने बात सुनी आर्थिक क्षेत्र की, फिर हमने सुनी राजनीति की, और अभी आप में से सामाजिक क्षेत्र का पूछ रहे हैं। ये सब तीनों चीज़ें, तीनों विषय जुड़े हुए हैं, और इसमें अध्यात्म भी जुड़ा हुआ है। अगर उनकी जो सरल, उनकी जो बुनियादी बात होती थी, उसमें कोई गहराई से सोचे तो उसमें अध्यात्म दर्शन भी था, लेकिन व्यवहारिकता पूरी थी। अब गांधी के बारे में हम जब बात करते हैं, गांधी के उसमें कहते हैं गांधी होते तो अब क्या करते, हम गांधी के अनुकूल हैं कि नहीं, यह प्रश्न ही स्वयं में कई बार गलत होता है, क्योंकि गांधी के सामने गांधी का उदाहरण नहीं था। गांधी ने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी, उन्होंने सब दर्शनों का, सब गहरे दर्शनों का अध्ययन किया, और जो मूल्य थे उनको अपनाए, और मूल्य इसलिए नहीं अपनाए कि वो मंच से उस पर भाषण दे सकें, इसलिए कि उनको, उन मूल्यों को दिनचर्या में कैसे रखें, इसलिए उन्होंने किया। बहुत अहम बात आपने मैम कही कि पहले रास्ता नहीं था जिस रास्ते पर चलना है, एक रास्ता खुद उन्होंने तैयार किया, और उसके बाद उस रास्ते पर वो आगे बढ़े,
और वो कितना मुश्किल दौर था, लेकिन आज के दौर में जब रास्ता सामने दिख रहा हो तो भी क्या हम उस रास्ते पर नहीं चल पा रहे, और अगर नहीं चल पा रहे तो उसके पीछे के कारण क्या हैं। हमारे साथ भामरी साहब भी मौजूद हैं और सुरेंद्र कुमार जी भी हैं, उनसे जानेंगे ब्रेक के उस पार कि असल में आज के दौर में जो मुश्किलें हैं, अगर कहीं दोहराव है या फिर भटकाव है तो उसके पीछे के कारण क्या हैं। ब्रेक के उस पार। एक कॉमन चीज़ है कि आपको नौकरी लेनी है, पढ़ना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने, बात खत्म। आंदोलन होते हैं, दो दिन चार दिन मीडिया में आप जैसे अच्छे लोग दिखाते हैं कि भाई चलो संघर्ष हुआ, गए, फिर मीडिया से न्यूज़ गायब, तो सोचते हैं कि सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, बापू को हमको समझने की ज़रूरत है। आप उनको बुक में सही बोले, मूर्ति बनाना बंद कीजिए। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जनसंसद और बात हो रही है आज गांधी जी की, उनके बताए रास्ते की, और आज के दौर में कि किस तरीके से उनके रास्तों पर हम आगे बढ़ रहे हैं या फिर कहीं कुछ भटकाव है। अब लौटूंगा मैं सीपी भामरी साहब आपके पास और समझना चाहूंगा कि जो बातें अलग अलग विधाओं की हो रही हैं, असल में क्या वक्त के साथ उन विचारों को नयापन नहीं मिला, उन विचारों को एडॉप्ट करने के लिए जो हमें बदलाव या फिर हमें एक झुकाव चाहिए था वो हमारे अंदर नहीं था, इसलिए हम उससे दूर होते जा रहे हैं, या फिर कोई दूसरी वजह आपको दिखती है? गांधी जी की जो बड़े बड़े फिलोसफर्स की ट्रेजेडी हुई है कि एक गांधी जी दकियानूसियों के हाथ में पड़ गए। गांधी जी ने कोई बाइबल नहीं लिखी, कोई कुरान नहीं लिखा, कोई रामायण या महाभारत नहीं लिखी कि आप उसको जो है सामने रख के। गांधी जी ने एक विचारधारा दी जिसका मूल्यांकन होना चाहिए, जिसका विश्लेषण होना चाहिए, और उससे ये निकालना चाहिए कि ये जो इतिहास नया बन रहा है जो रुक नहीं सकता। गांधी जी ने एक इतिहास बनाया, हिंदुस्तान एक गुलाम देश था, इसको आज़ादी दिलवाई, एक दूसरा इतिहास बन रहा है जिसे कहते हैं आधुनिक भारत। गांधी जी ने कहा था कि मेरे बाद नॉट सरदार, नॉट राजा जी, नेहरू विल स्पीक माई लैंग्वेज। दैट मीन्स गांधी जी ने तो मॉडर्निटी को अपनाया है। अब उनकी मॉडर्निटी के पिलर्स क्या थे उनको हमने भूलकर एक फालतू बातों में लग गए। पहला पिलर था गांधी जी का जो संघर्ष के आधार पर निकला कि धर्म, ईश्वर, अल्लाह, तेरा नाम, यूनिटी ऑफ रिलीजियंस। फिर उनको कट्टरवादी हिंदू ने मार दिया। फौरन उससे आगे बात बढ़ी कि धर्म के नाम पर आधुनिकता नहीं बन सकती, धर्म के नाम पर प्रजातंत्र नहीं चल सकता, धर्म के नाम पर आप जो हैं ये देश सब धर्मों का है, और अगर आप एक धर्म को मानकर चलना चाहेंगे ये देश बट जाएगा। गांधी जी ने पार्टीशन का एंड तक विरोध किया क्योंकि वो रिलीजन के आधार पर बंटवारा हो रहा था। लेकिन मामी साहब, जो बात आप कह रहे हैं, जिन पिलर्स को उन्होंने बताया, क्या आज के दौर में जो हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सोच है वो उन पिलर्स के कहीं इर्द गिर्द भी नहीं है, या फिर जो आपने कहा कि जो तकियानूसी एक सोच है वो हावी होती गई जिसके चलते ये दुराव दिख रहा है, ये अलगाव नज़र आ रहा है? प्रजातंत्र में जितनी समाज की गंदगी होती है वो सब निकल के आती है। तो गांधी जी ने भी उन सब गंदगियों को निकाला जब उन्होंने स्वतंत्रता का संघर्ष किया और बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस की और लोगों को तैयार किया। क्या आज हमने जो प्रजातंत्र का गंध निकल रहा है समाज का, जाति प्रथा प्रजातंत्र नहीं लाया, जाति प्रथा समाज की एक बीमारी है। धर्म
कि जो ठेकेदार बनकर देश को बंटवारा कर रहे हैं वो प्रजातंत्र नहीं लाया। यहाँ आप पॉलिटिक्स में जब आप ये कह रहे हैं कि तमाम रोग थे वो अपना लिए गए और जो मजबूत चीज़ें थीं उनको दरकिनार किया गया, तो सबसे एक बात फाइनल कहूँगा, जो मजबूत चीज़ थी गांधी जी की वो थी टॉलरेंस। टॉलरेंस मैं इस पॉइंट पर आऊँगा और युवाओं से जानूंगा कि ये टॉलरेंस आज के दौर में कहाँ पर खड़ा है। लेकिन उससे पहले सुरेंद्र जी, जो बात भामी साहब कह रहे हैं कि असल में जो पिलर्स, जो सोच थी, जो नींव थी, वो बहुत ही अहम थी। अब ये है कि अगर नींव है उसके बाद इबारत, आप इमारत कैसी बनाना चाहते हैं ये आपकी सोच के ऊपर है। आज के दौर में क्या जो इमारत बनाई जा रही है वो उन पिलर्स को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जा रही? ये ठीक ही है, जैसा कि राही जी ने बताया आपको कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से हम लोग गांधी जी के विचारों से काफ़ी भटक गए और जो काम शुरू किया उससे गांधी जी के विचारों का कोई मेल जोल या तालमेल नहीं बैठता था। गांधी जी ने साधन और साध्य में साधन की शुद्धता पर अधिक बल दिया। आज हम साध्य को अति अधिक महत्व दे रहे हैं, साधन की शुद्धता हमारे विचार से कहीं हट गया है। गांधी जी के कथनी और करनी में एकता थी। आज जो आप देखेंगे समाज के विभिन्न वर्गों में जो एक परिस्थिति पैदा होगी, कहना कुछ है और करना कुछ है। इस परिस्थिति से जो गांधी के जो विचार थे, जो उनके क्रांतिकारी विचार थे, जो समाज परिवर्तन के लिए और लोगों को खड़ा करने के लिए ज़रूरी था, उससे हम पूर्णतः भटकाव देख रहे हैं। चाहे वो शासन वर्ग के लोग हों जिनके हाथ में सत्ता है, जो लोकतंत्र के और भी अन्य स्तंभ हैं, उन सबों के बीच में इस तरह का संकट आज देखने को मिल रहा है। टॉलरेंस की बात बीच में आई थी, मैं कुछ युवाओं से जानना चाहूँगा सवाल कि आखिर में टॉलरेंस की जब बात होती है कि आप कोई भी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं और उसके बाद संयम जो है वो आखिर कितना नज़र आता है, क्या आप में से किसी को ऐसा लगता है कि आज के दौर में टॉलरेंस पावर जो है वो लगातार कम हो रही है, आप इसको फील करते हैं, या आप लोगों को लगता है कि नहीं आप लोग भी संयमित हैं, किसी भी बात को या क्रोध जो गुस्सा है उसको आप शांत होकर पी जाते हैं, मैं कहूँ ख़त्म कर लेते हैं? जी, आज के टाइम में टॉलरेंस तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है, क्योंकि बंदा हर बंदा रिएक्टिव हो गया है। जैसे अगर किसी ने कुछ कहा किसी से तो एकदम से रिएक्ट कर जाता है, टॉलरेंस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, रिएक्ट तुरंत करता है, टॉलरेंस ख़त्म। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम यंगस्टर वही सीखते हैं जो हमारे आस पास होता है, तो हमने ये सीखा जैसे जो नेता है खुद ही टॉलरेंस नहीं करते हम कैसे करेंगे, मतलब जो हमारे आस पास हो रहा है हम खुद थोड़ा कुछ सीखते हैं, खुद अपने आप डेवलप थोड़ा करते हैं, जो आस पास हो रहा है उसी सीख रहे हैं, मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं वही टॉलरेंस नहीं कर पाते तो हम कैसे करेंगे। तो आपने सुना युवाओं को कि टॉलरेंस एक बड़ा मुद्दा है और आज के दौर में ऐसा लगता है कि टॉलरेंस की कमी ही कई बीमारियों की जड़ है, यानी कई समस्याओं की जड़ है। ब्रेक के उस पार जानेंगे टॉलरेंस आखिर कम क्यों हो रहा है और उसे खत्म करने के लिए, यानी कि इस बीमारी को खत्म करने के लिए गांधी जी का जो रास्ता था वो क्या कहता है? ब्रेक के उस पार। अन्याय के प्रति टॉलरेंस, अगर आज बापू जी होते तो मैं कहती कि इस शब्द को ज़रा बदलिए, एक वक्त था जब ये शब्द सही था टॉलरेंस, लेकिन आज हम लोग बहुत टॉलरेंस रख रहे हैं अन्याय के विरुद्ध। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात हो रही है कि आखिर जो युवा है वो कह रहे हैं कि तमाम बातें तो ठीक है लेकिन टॉलरेंस को लेकर जो बात सामने आ रही है वो सबसे अहम है कि आखिर टॉलरेंस कम है, ये वो मानते हैं, लेकिन उनका कहना कि इसके लिए वो नहीं बल्कि आसपास का वातावरण, माहौल और समाज वो जिम्मेदार है। तारा गांधी जी, आपने सुना युवाओं को, और टॉलरेंस एक ऐसी चीज़ जो कि कई बीमारियों की जड़ के तौर पर सामने आती है, आखिर क्या हुआ है सोसाइटी में? अब मैं जो कहूँगी शायद उससे आप लोगों को, आपने कभी यह सोचा नहीं होगा कि इस तरह से मैं टॉलरेंस को देखती हूँ, बहुत टॉलरेंस है। अन्याय के प्रति टॉलरेंस, एक तो सहिष्णुता होती है, टॉलरेंस होती है किसी हम दूसरे के लिए। अगर आज बापूजी होते तो मैं कहती कि इस शब्द को ज़रा बदलिए, एक वक्त था जब ये शब्द सही था टॉलरेंस, लेकिन आज हम लोग बहुत टॉलरेंस रख रहे हैं अन्याय के विरुद्ध में, और चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे कानून का हो, उसके प्रति जो हमारी लापरवाही है वो इतनी बढ़ गई है कि हमारे में जो डिसिप्लिन है वो नहीं है। हम लोग बुरे लोग तो हमारे देश में, समाज में बहुत कम हैं, अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं,
लेकिन अधिकतर हम सब बहुत लापरवाह लोग हैं, क्योंकि हम बहुत टॉलरेंस रखते हैं, जो गलत हुआ उसको सहने के लिए होता चलेगा। इतनी गंदगी है तो कोई आएगा ठीक करेगा। ये बहुत अहम ये पॉइंट मैं इसलिए कह रही हूँ, टॉलरेंस जब कहते हैं तो माफ़ करिए, उसको मैं दूसरे अर्थ में लेती हूँ। और जैसा टॉलरेंस मैं देख रही हूँ, जो जिस तरह से स्वीकृति मिल रही है गलत चीज़ों को, जी जी, और कहीं ये स्वीकृति जो है कोई बहुत सोच समझ के नहीं दी जा रही है। हम कहते हैं भाई ठीक है, रास्ते में किसी को देखा, कोई घायल है, हम चल पड़े, कोई और देखेगा, जाने अनजाने ये टॉलरेंस नज़र आ रहा है, बहुत अधिक हो रहा है, यह हमारी बहुत बड़ी गलती है। जी भामरी साहब, जो तारा मैम कह रही हैं, भामरी साहब, सवाल बहुत अहम है कि आज जो तमाम कुरीतियाँ हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि बुराइयाँ हैं, उनके प्रति हमारा टॉलरेंस क्यों बढ़ता जा रहा है? करप्शन की बात होती है, कोई शख्स अगर घायल है, किसी के खिलाफ अन्याय हो रहा है, तो हम आवाज़ बुलंद क्यों नहीं कर पाते हैं? हम कर रहे हैं, यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन गांधी जी ने ये भी कहा था, ग्रेजुअल मेथड से आदमी खड़ा होता है, उसकी चेतना जब तक नहीं होगी। आज करप्शन के बारे में जितनी चर्चा है उतनी पहले कभी नहीं थी, जितनी आवाज़ है कि इसको रोका जाए पहले कभी नहीं थी। आप कह रहे हैं कि ग्रेजुअल प्रोसेस है जो धीरे धीरे चल रहा है, मुनी जी क्या आप एग्री करते हैं इससे? मैं इसको दूसरे रूप से देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो टॉलरेंस की नहीं, शायद उदासीनता है। हम इनडिफरेंट होते जा रहे हैं सोशल इश्यूज़ को लेकर, कॉमन इश्यूज़ को लेकर, क्योंकि हमें एक जंजाल में फंसा दिया है जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट लेवल में या यूथ में बड़ा स्ट्रेस लेवल है। उसका कारण यह है कि जो आर्थिक स्थिति है हमारी, उसमें वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। बड़ी खुशी से हम कहते हैं कि डायनेमिक इकोनॉमी है हमारी, पर उस डायनेमिज्म में कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी छुपी है। जो स्थिरता थी पिछले 25-30 सालों में, वो पिछले 5 सालों में शायद चली गई। इस समय इस वॉलेटिलिटी में जो युवा है वो अपने व्यक्तिगत या अपने आसपास के वातावरण में ही कहीं फंस के रह गया है। हम लोग रोज छात्रों से, मेरा वास्ता रहता है क्लास के अंदर, और मैं देखता हूँ जो स्ट्रेस लेवल्स हैं इतने बढ़ गए हैं कि वो अपने स्ट्रेस से ही उभर के नहीं पा रहा। इसलिए सामाजिक मुद्दों के प्रति उसका इंडिफरेंस है, वो इंडिफरेंस सड़क पे भी दिखता है, वो इंडिफरेंस उसका मुद्दों पर भी दिखता है। क्या बाकी आप लोग इस सहमत हैं कि जो तमाम समस्याएं हैं उसको लेकर आप लोग उस तरीके से मुखर नहीं हो पाते, बोल नहीं पाते हैं? क्योंकि आपके आसपास जो तमाम चीज़ें चलती हैं, आपकी पढ़ाई को लेकर, आपकी आर्थिक स्थितियों को लेकर, या फिर आपके परिवार में किस तरह से कहा जाता है कि आप बेटा अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़ना है, पैसे कमाने, ये ज़्यादा फोकस है, या फिर देश के बारे में कभी घरों में चर्चा होती है? हम लोग के यहाँ ज़्यादातर पढ़ाई के बारे में डिस्कस होती है, देश के बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं इस बारे में। क्योंकि जब तक हम लोग जब कॉलेज लाइफ में जाते हैं, हमें कॉलेज में लाइफ में अच्छे नंबर से एग्जाम पास करना है, कंपनी आएंगी उनमें जॉब करना है, और जॉब करके फिर फैमिली सेटल करके आगे लाइफ में सेटल हो जाना है। ये बिल्कुल सही इन्होंने वाजिब उठाया है, और शायद हंसने की बात हो सकती है, लेकिन एक कॉमन चीज़ है कि आपको नौकरी लेनी है, पढ़ना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने, बात खत्म। आंदोलन होते हैं, 2-4 दिन मीडिया में आप जैसे अच्छे लोग दिखाते हैं कि भाई चलो संघर्ष हुआ, गए, फिर मीडिया से न्यूज़ गायब, तो सोचते कि सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, बापू को हमको समझने की ज़रूरत है। आप उनको बुक में सही बोले, मूर्ति बनाना बंद कीजिए, सर ने बिल्कुल सही बोला था। स्कूल में आप धोनी को पढ़ा रहे हैं, आप कैटरीना कैफ पर, बहुत अच्छा पढ़ाइए, बहुत अच्छा पढ़ाइए, लेकिन बापू को समझाइए, क्योंकि बापू को जो एहसास है, जो विचार है, उससे दुनिया बनती है। धोनी हमारे एंटरटेनमेंट के लिए है। मैं ये नहीं बोलता किसी से अलग होना, यूथ को क्यों आप बोलते हैं कि यूथ मतलब सिर्फ गाना गाने वाला, स्टाइलिश, लड़कियां छेड़ने वाला, ऐसा नहीं है। यूथ बहुत सारे विचार लेके जीता है। विवेकानंद तक यूथ थे, महात्मा गांधी मरते दम तक यूथ की तरह सोचते थे। राही साहब बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, क्या आप कहेंगे? देखिए, टॉलरेंस न पलायन है न कायरता है, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि हमने विकास किया है प्रतिस्पर्धा के समाज का, सेल्फ के इर्द गिर्द का समाज, समाज गायब हो गया है, मैं ही रह गया है। इसके कारण हम समाज के प्रति उदासीन, इंटॉलरेंट हो गया है हमारे अंदर विकसित, ये सब चीज़ें, परिस्थितियाँ ऐसी बना दी गई हैं। समाज की जो रचना होती है, आर्थिक और राजनीतिक जो माहौल बनाया जाता है, उसकी व्यवस्था की जाती है, उन सब का प्रभाव तो पड़ेगा ही युवा पर। अब जब केवल प्रतिस्पर्धा में पढ़ के और एट एनी कास्ट हमें पैसा हासिल करना है, तो उसमें से एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस माने
आपस में एक दूसरे के प्रति सहिष्णु होना, एक दूसरे को समझना, वो अपने से जितना भिन्न है उतना ही अधिक समझने की जरूरत है। और इस तरह के कोऑपरेशन का आधार ही समाज में राजनीति के क्षेत्र में नहीं रहने दिया गया है, केवल मैं के इर्द गिर्द ताना बाना बुना जा रहा है, बहुत अहम बात है, इसलिए संकट आ गया है। आखिर करे क्या आज का युवा, किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे चलते चलते? गांधी जी ने ये बात बताई थी कि हमको सफरिंग, मैंने अपने ऊपर अपने तकलीफ उठानी चाहिए, तकलीफ उठा करके हमको एक समाज के कल्याण के लिए, दूसरे के हित के लिए काम करना चाहिए। आज समाज के अंदर में उस सफरिंग का भी अभाव देखा जा रहा है, क्योंकि जो बात कही गई कि मैं का प्रभाव है, तो आज उस आवश्यकता इस बात की है कि हम समाज के दूसरे लोगों के हितों को भी समझें, दूसरे लोगों की बातों को भी समझें, क्या उनकी समस्याएं हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि मैं जो है वो बड़ा हो गया और हम जिसे समाज कहते हैं वो कहीं छोटा हो गया। मैम चलते देखा, आखिरी रिएक्शन टिप्पणी चाहूँगा, आखिर इस मैं को छोटा करने का क्या विकल्प है, अब कैसे हम बड़ा होगा, कैसे समाज बड़ा होगा? यहाँ पे तो बहुत चर्चाएं हुई हैं और हमें यहाँ की समस्याएं क्या है उस पर बात करी, और बहुत बौद्धिक स्तर पर बहुत ऊंची बातें मैंने, बहुत अच्छी बातें सुनी और सीखी, और आपसे मैं सहमत हूँ ये कहते हुए कि अभी आवाज़ उठ रही है। हाँ, उठ रही है, क्योंकि बिल्कुल नहीं उठी थी, इसलिए जो भी उठ रहा है उसे हम अच्छा मान रहे हैं, लेकिन वो भी उठ रही है मानती हूँ। लेकिन अब सोचें कि अब हम इस समस्या का जो देश की जो हालत है हर तरह से बहुत अच्छी है नहीं कह सकते, फिर भी ऐसे कई लोग हैं जो गांधी का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी खोज में है, अपने सत्य की खोज में है, गांधी की खोज में नहीं, और वे लोग सच्चा काम भी कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं ये तो सभी जानते हैं, फिर भी मैं दोहराऊंगी कि हमारी बच्चों की शिक्षा और नव युवकों की और युवतियों की शिक्षा हमारा एक सबसे बड़ा हमारा वो हल है भविष्य के लिए। और एक बात ज़रूरी कहूँगी कि सिर्फ बालिका शिशु नहीं, बालक शिशु भी, आज जितने यहाँ हमारे नवयुवक हैं, बच्चे हैं, उनमें उस एक बच्चे ने बहुत ईमानदारी से कहा, हमसे पढ़ाई की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि जब लड़का पैदा होता है तो माँ बाप कहते हैं तो अच्छा हुआ तू लड़का है, हमारे मुझे मुखाग्नि देगा, फिर तू पैसा कमाएगा, फिर तू जितना पढ़ेगा उतना होगा। लड़की होती है तो उसको कहते हैं कि तू तो तेरे पास मौका है, नहीं पढ़ी तो तेरी शादी भी हो सकती है। लड़के को बहुत हम लोग वैसे ही सीमित रखा है प्रकृति ने, उससे अधिक सीमित हम माँ बाप ने, अभिभावकों ने, समाज ने रखा है। तो आज हमें नव युवकों को यदि बचाना है, भविष्य की ओर ले जाना है, तो नव युवकों की यहाँ उपस्थिति का मैं स्वागत करती हूँ कि आप जहाँ भी जाएं वहाँ अहिंसा के उदाहरण दिखें। बिल्कुल, तो आज की हमारी चर्चा से जो खास बातें निकली, वो सबसे अहम बात यही है कि देश के अंदर टॉलरेंस जो है वो बुराइयों को लेकर ना हो, टॉलरेंस इस बात को लेकर ना हो कि किसी के खिलाफ अन्याय हो, और साथ ही साथ मैं बड़ा ना हो बल्कि इसे छोटा किया जाए, और हम यानी समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सोच को हम बदलें। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।